हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस चैप्टर से आज इस वीडियो में। तो इसके बाद आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ाई कर लीजिएगा, इन 10 क्वेश्चन से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुँच सके जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं और अच्छी वीडियो उन तक भी पहुँच सके। और इस घंटी का आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लगातार वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, इस चैप्टर को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि चार हमारी मेन डायरेक्शन होती है और चार हमारी सब डायरेक्शन होती है। चार मेन डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये हमारी चार मेन डायरेक्शन होती है और चार हमारी सब डायरेक्शन होती है। सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? ऊपर देखें तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, नीचे होती है आपकी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये दोनों, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन और इन चार को बोलते हैं मेन डायरेक्शन, ठीक है। और जब भी हम मतलब कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो जो सूर्य आपका उदय होता है वो किस डायरेक्शन से होता है? पूर्व, पूर्व से, ध्यान रखिएगा। और जब आपका छिपता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में छिपता है, यानी कि पश्चिम में छिपता है, ठीक है। तो ये तो होगी बिल्कुल बेसिक बातें यहाँ पे, जो कि आप सभी को पता भी होंगी, बट मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ। फिर यहाँ पे बाएं दाएं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं उत्तर की दाएं और बाएं की बात करूँ तो ये उत्तर का दाएं होता है, ये बाएं होता है उत्तर डायरेक्शन में। और दक्षिण की अगर मैं बात करूँ तो ये बाएं और ये दाएं हो जाता है, ठीक है। पूर्व में आपका बाएं और दाएं और पश्चिम में आपका दाएं और बाएं। अभी कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये चीज़ें मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन में साथ ही साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ये बस एक ओवरव्यू था कि इसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, ठीक है। अपनी दाई ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। तो हम क्या करेंगे, जितना आप में क्वेश्चन में मतलब स्लैश लगा के दे रखा है क्वेश्चन, उतना ही पढ़ेंगे और उतना ही करते हुए चलेंगे। तो कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है और वो अपने दाई ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। पहले मैं आपको बता दूँ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपको पता है। जब भी कोई चलना स्टार्ट करता है या फिर किसी भी डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा होता है, वो खड़ा कहाँ होता है? बीच में खड़ा होता है यहाँ पे। अब वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, बट उसने दाई ओर मुड़ा, दाई ओर मुड़ के 25 मीटर चला। दाई ओर मुड़ने के बाद में वो पूर्व की ओर आ गया, ठीक है। अपना दाई ओर यानी कि राइट साइड में वो मुड़ गया भाई, यहाँ पे खड़ा था वो, राइट साइड में मुड़ने के बाद में वो 25 मीटर चला। तो अब वो पूर्व की ओर चला 25 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता चलूंगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर वह अपनी बाई ओर मुड़कर 30 मीटर चला। तो अपनी बाई ओर मुड़ा यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ा, तो लेफ्ट साइड में मुड़ेगा तो 30 मीटर इस तरीके से वो चलेगा। तो यहाँ तक आप आ चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो उसमें बोला गया, आगे वह दाई ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। आगे फिर वो दाई ओर मुड़ा यानी कि राइट साइड में मुड़ा, और राइट साइड में दाई ओर मुड़ के वो 25 मीटर चला। यहाँ तक आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो नेक्स्ट बोला, पुनः वह दाई ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाई ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो दाई ओर मुड़कर वो जब 55 मीटर चलेगा तो यहाँ पे देखिए 55 मीटर आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो 30 से तो आगे निकल जाएगा। तो 55 मीटर वो चला, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 55 मीटर चलने के बाद में वो किस डायरेक्शन में मुड़ता है? अंत में दाई ओर मुड़ा और 40 मीटर चलता है। अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे दाई और बाएं में शायद आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब वो इस डायरेक्शन में फेस है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका दाएं साइड कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि आपका राइट साइड ये हो जाएगा, तो राइट साइड में आप इस डायरेक्शन में चले 40 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, ये जो आप चले हैं आपको इससे आगे नहीं निकलना, क्योंकि ये 25 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी 50 मीटर है। तो ये 40 चला है, तो इस 50 मीटर से आपको आगे नहीं जाना, इससे पीछे ही पीछे रहना है, ठीक है ना। क्योंकि इतना भी आप अगर कर देते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप इसे 50 से आगे पहुँचा देते हैं तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप फिर दक्षिण में चले जाएंगे, ठीक। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इस तरीके से चले, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे चलने के बाद अब यहाँ पे हो आप, इस दक्षिण से आगे नहीं गए, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताएं कि चलना आरंभ करने के बिंदु से वह अब किस दिशा में है। तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब चलना स्टार्ट करता है किस पॉइंट से, यहाँ से, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये चला,
फिर ये चला, ठीक है, और सॉरी फिर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व, तो ये आपका दक्षिण पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बोला जा रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुड़कर मुंह किए हैं घड़ी की चाल की दिशा में वह 45 डिग्री पर मुड़ता और फिर उसी दिशा में 180 पर मुड़ता। यानी कि वो पश्चिम की दिशा में मुंह करके अगर खड़ा है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा उसका मुंह, ठीक है। यहाँ पे बोला कि वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चला, घड़ी की चाल की दिशा में वह 45 डिग्री मुड़ा और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ा। यानी कि देखिए ये पूरी की पूरी आपकी कितनी होती है 90 डिग्री, इसका आधा 45। सबसे पहले वो 45 डिग्री घूमा, फिर उसी दिशा में घड़ी की, देखिए ये होती है ना जब घड़ी चलती है टिक टिक टिक, इस डायरेक्शन में चलती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो उस दिशा में पहले 45 डिग्री घूमा, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमा, तो 180 यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 ये, ठीक है, फिर यहाँ पे 90 ये, और 90 के बाद 45 फिर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो जाएगा 180 और 45 ये पहले घूम चुका था। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 डिग्री पर मुड़ता है। अब वो यहाँ से आने के बाद जब वो यहाँ पे आ गया, फिर वापस वो 170 डिग्री घूमता है। अब 170 डिग्री कितना बैठेगा, देखिए 180 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, 45 ये कितना हो जाएगा 225, तो 45 उसको और घूमना पड़ेगा 270, तो यहाँ पे आ चुका होगा वो, अभी कहाँ पे है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ चुका है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, 270 पर मुड़ता है, बताएं कि अब वह किस दिशा में मुंह किए है, तो किस दिशा में मुंह हो जाएगा उसका, भाई देखिए ये आपका हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, ये आपका पश्चिम होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण, और इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, बहुत ही सिंपल से आप भी ट्राई कर सकते हैं। एक आदमी बिंदु एक्स से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चल जाता है, तो यानी कि एक्स पॉइंट हम कोई भी मान लेते हैं, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दक्षिण दिशा आपको पता है 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक वो चल दिया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फिर उसने 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, बताए कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है। यहाँ पे वो बाईं ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि ये अगर इस डायरेक्शन में उसका फेस है तो बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 किलोमीटर ये यहाँ से चलता है, तो पूछा है कि जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था प्रारंभिक स्थान से, अब वो किस दिशा में है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई चलना स्टार्ट करता है किसी भी एक्स पॉइंट वाई पॉइंट किसी भी पॉइंट से, वो चलना कहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से दक्षिण दिशा में यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, मैं इसको यहीं पर बना देता हूँ, इस तरीके से चला। अब वो कहीं बीच में इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के, तो क्या हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व, तो आपका दक्षिण पूर्व राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर नीचे की तरफ को 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, यानी कि बाईं ओर ये हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड। भाई देखिए आप जब ऊपर से आते हैं इस तरीके से दक्षिण की ओर मुंह करके, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, बाएं कौन सा हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका फेस सामने होगा, तो ये राइट हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। खुद सोच के देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए, सोच मतलब खुद दिमाग चलाएंगे ना कि मेरा डायरेक्शन कौन सा होगा, जब भी जिस डायरेक्शन में वो चलता है आप खुद को माने कि उस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट राइट मेरा दाएं बाएं कौन सा होगा वो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के कितना चला 4 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब वो यहाँ पे है, फिर बाएं मुड़ता है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा। आप खुद सोचिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा बाएं कौन सा होगा, ऊपर को चलेगा, तो ऊपर को जाने के बाद में वो 5 किलोमीटर फ्री चलता है, तो 6 चला 4 चला फिर 5 चला, उसका मुख अब किस दिशा में है, तो ये वाली कौन सी दिशा होती है भाई, ये आपकी उत्तर हो जाती है, ठीक है, ऊपर वाली उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण होती है। तो दक्षिण की दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया था, इधर को मुड़ा फिर ऊपर को चल दिया, तो आपका ये दिशा कौन सी हो जाएगा, किस दिशा में उसका मुंह है, उत्तर दिशा में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, 5 है आपका, और देखिए दोस्तों इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन, इसकी PDF मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे
टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च करेगा टॉपिक स्टडी तो आपको मिल जाएगा, वैसे लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, ठीक है। तो एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व इस डायरेक्शन में बहेगी, ठीक है, एवं मार्ग से बाईं ओर मुड़ती है। जब वो इस डायरेक्शन में बह रही है, यहाँ से यहाँ तक उसने बहना स्टार्ट किया पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, अब वो बाईं ओर मुड़ती है और एक छोटी पहाड़ी का चक्कर लगाती है, यानी कि वो बाईं ओर मुड़ती है इस तरीके से और एक छोटी पहाड़ी होगी यहाँ पे, आधा चक्कर लगाती है, सॉरी देखिए यहाँ पे पहाड़ी का आधा चक्कर, आधा चक्कर कितना होता है इतना, पूरा चक्कर कितना होता है, ये पूरा का पूरा गोल घूम जाती है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आधा चक्कर बोला ये वाला हो जाएगा, आधा चक्कर लगाती है और फिर कोण पर बाईं ओर मुड़ती है। तो अब यहाँ से बाईं ओर कौन सा होगा भाई, ये बाईं ओर आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वो मुड़ जाती है। अब नदी किस दिशा में है, तो अब नदी आपकी पूर्व दिशा में हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका पूर्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना हार्ड नहीं होते हैं बिल्कुल भी, बस आपको ये देखना है, एक तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना कि वो छोटी पहाड़ी का चक्कर लगा रही है आधा चक्कर, तो आधा चक्कर का मतलब है ये आधा हो जाएगा और एक समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है, तो इस तरीके से वो मुड़ जाएगी। अब पूरा चक्कर बोलते तो वो फिर पूरा का पूरा ऐसे चक्कर जहाँ से यहाँ से उसने लगाना स्टार्ट किया था तो यहाँ पर आ जाता, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सेकेंडों के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। तो आप सभी को पता है सूर्य किस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से, तो यानी कि मीना ने पूर्व की ओर चलना आरंभ किया इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गई। आप मुझे ये बताइए, जब ये इस डायरेक्शन से चलेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपनी बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, अपना लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए, लेफ्ट आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़े हों तो ये तो आपका राइट हो जाएगा ना भाई, अगर आप ऐसे करके खड़े इस डायरेक्शन में मुँह, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, यानी कि बाएँ होगा ये दाएँ होगा, तो बाएँ दिशा में उसने मुड़ा और यहाँ से यहाँ तक, मतलब बाएँ दिशा में वो चली, बाएँ कुछ दूर चलकर अपने बाएं मुड़ी और दोबारा अपने बाएं मुड़ी, कुछ दूर चलकर फिर वह अपने बाएं मुड़ी, यानी कि उसने कितनी बार बाएं मुड़ा, दो बार और बाएं मुड़ा, इस बाएं मुड़ने के बाद में फिर वो बाएं मुड़ी। तो अगर आपका फेस इस डायरेक्शन में है तो आप खुद सोचिए, मेरा बाएं ये हो जाएगा तो बाएं मुड़ी, फिर अगर मेरा फेस इस डायरेक्शन में है तो फिर मेरा बाएं ये हो जाएगा, तो यहाँ तक वो आ चुकी है, ठीक है। अब क्या पूछा है, वह बाएं मुड़ी, वह अब किस दिशा में मुँह किए हुए है, तो आप खुद बताइए कि अगर उसका फेस इस दिशा में है तो ये कौन सी दिशा होती है, ये आपकी दक्षिण दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है, ये वाली दक्षिण दिशा होती है, तो उसका फेस अभी दक्षिण दिशा में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला जा रहा है कि एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। अब सुबह 7 बजे सूरज मतलब उगता है, तो किस दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से, ठीक है, और नरेश ने सूर्य की ओर पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया, यानी कि अगर सूर्य इधर से निकला है तो उसने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, यानी कि पूर्व में निकला तो उसने पश्चिम में चलना स्टार्ट किया, और कितना चला ये नहीं बताया कि कितना चला है, ठीक है, तो उसने चलना स्टार्ट किया, तो इस डायरेक्शन में चलेगा, पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। तो फिर वो देखे, अब मैं आपको यहीं पे लेके आता हूँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व की ओर से सूरज निकलता है, तो नरेश ने उसके अगेंस्ट पीठ मतलब करके वो चल रहा है, तो उसने नरेश ने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, फिर बाएं मुड़ा, तो अगर उसका फेस इस डायरेक्शन में है तो ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये आपका बाएं होगा, ये आपका दाएं होगा, तो बाएं उसने मुड़ा तो ये कुछ चला, ठीक है, तो बाएं चलने के बाद में फिर किस डायरेक्शन में बोला, फिर वह बाएं मुड़कर सीधे चलता रहा, ठीक है, यहाँ तक हो गया, और फिर दाएं मुड़कर सीधे चला, तो बाएं मुड़ने के बाद में फिर वो दाएं मुड़ा, तो अब दाएं ये वाला हो जाएगा भाई, अगर इस डायरेक्शन में फेस है उसका, इस डायरेक्शन में फेस है तो ये आपका दाएं होगा, ये बाएं होगा, खुद सोचिए, तो दाएं मुड़ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद सीधा चला, वह फिर से बाएं मुड़ा, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो फिर वो बाएं मुड़ता है, अब पूछा किस दिशा में है, तो अगर वो यहाँ से चला, यहाँ पे आ चुका है बाएं मुड़ के, तो अब किस दिशा में है, तो आप सीधा सीधा सा बता सकते हैं,
मतलब कोई भी बता सकता है कि दक्षिण दिशा ये वाली दिशा होती है, तो उसका मुंह किस में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर अपनी दाई ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ पे राजू अगर 10 मीटर पूर्व की ओर चलेगा तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी भाई। राजू ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान ली मतलब चलता तो वो यहाँ से है, बट मैं आपको ये इस तरीके से बना के बता देता हूँ। तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया पूर्व की ओर, 10 मीटर चला, अपनी दाई ओर मुड़ने के बाद में वो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर उसकी डायरेक्शन है तो ये उसकी दाई ओर हो जाएगी। ठीक है, तो दाई ओर मुड़कर वो 10 मीटर चला। फिर नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं क्या लिखा है, एक एक लाइन पढ़ते जाइए और करते जाइए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन बहुत आसान सा चैप्टर है, बस बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज कहाँ होते हैं कि लेफ्ट राइट और ये इनमें कन्फ्यूज रहते हैं बस। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, मैंने बता दिया। अपने आप को एज्यूम करिए कि मैं उस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मेरा राइट कौन सा होगा, मेरा लेफ्ट कौन सा होगा, मेरा दाएं कौन सा होगा, मेरा बाएं कौन सा होगा। ठीक है, तो 10 मीटर चला, तब प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए वह क्रम 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर चला। यानी कि हर एक बार वो बाईं ओर मुड़ता है और एक बार 5 चलता है, फिर 15 चलता है, फिर 15 चलता है। तो ठीक है, अगर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में है तो बाईं ये हो जाएगा, 5 यहाँ से चला, फिर 15 फिर यहाँ पे चला बाईं ओर मुड़कर, और फिर बाईं ओर मुड़कर फिर 15 चला, तो वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, बताएं कि चलना आरंभ करने के स्थान से अब वह कितनी दूर है। उसने चलना यहाँ से स्टार्ट किया था भाई और अब वो यहाँ पे है, तो आप ये बताइए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 15 मीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 10 मीटर की है। अगर मैं इस 15 में से इस वाली डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, बचेगी कौन सी, ये वाली, तो ये आपकी 5 मीटर हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो राजू अपने आरंभिक स्थान से 5 मीटर दूरी पर है। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, यहाँ पर है वो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो अभी वो 5 किलोमीटर दूर है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। ठीक है, तो कुणाल जो है वो 10 मीटर चलेगा, तो यहाँ से उत्तर दिशा ये हो जाएगी भाई, इसमें उसने 10 मीटर चलाया, पूरी का पूरा 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद में क्या बोला जा रहा है, वह वह दिशा दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। अब 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद में फिर वो दक्षिण की ओर चलता है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो गया। तो जब वो इस डायरेक्शन से उत्तर की ओर गया, ठीक है, तो यहाँ से फिर वो वापस आएगा और 6 किलोमीटर चल के वो दक्षिण की ओर वापस चल देगा। तो आप समझे, वो पहले गया फिर वापस उसी लाइन पे वापस 6 किलोमीटर चल के आ गया, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। तो 6 किलोमीटर चलने के बाद में, मतलब पूरा जाने के बाद में 6 किलोमीटर वापस आने के बाद में फिर वो पूर्व की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो अब उस वो गया वापस यहाँ पे आया 6 किलोमीटर और यहाँ पे हो गया। अब 6 किलोमीटर आप ध्यान रखिएगा, पूरा 10 चला था तो 6 इसके बीच में से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, और 3 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चला। बताएं कि अपने प्रारंभिक बिंदु से बिंदु के संदर्भ में अब वह किसी कितनी दूर और किस दिशा में है। यानी कि अब वो बताना है कि यहाँ से जहाँ से वो चला था यहाँ पे है वो, तो अब वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, यहाँ से चला था तो ये आपका त्रिभुज बन जाएगा, और आपको पता है कि ओ बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, ओ सी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपको यही करना है, आपको ये वाली भी पता है, ये वाली भी पता है, ये कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी तो आपकी 10 थी, इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये बचेगी 4, तो 4 मीटर की ये हो जाएगी और 3 मीटर की हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ओ सी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपको बस ये पाइथागोरस लगा देनी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो आपको पता चल जाएगी, दिशा भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से देखनी है। तो आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ओ सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको अंडर रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 और 9 रूट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, तो रूट हटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे आपका दिशा कौन सी होगी, देखिए मेन इस क्वेश्चन में दिशा, तो दिशा का कैसे पता चलेगा,
अब आप मुझे ये बताइए, मैं एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से लाइन खींच दी। लाइन मैंने इस तरीके से क्यों खींची, क्योंकि जब भी कोई चलना स्टार्ट करता है वो कहाँ से चलता है, यहाँ से। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया उत्तर, सॉरी यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसने उत्तर दिशा में, 10 मीटर चला था, 10 किलोमीटर या मीटर जो भी, और यहाँ से वापिस वो 6 आया, तो अभी बीच में ही है। ठीक है, बीच से वो बीच में मुड़ा, 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला। और तो अब ये मुझे बताइए, अगर वो यहाँ पे है और ये वाली डायरेक्शन है, तो ये कौन सी होगी? ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पूर्व होता है, तो ये आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, राइट आंसर। समझे आप इस चीज़ को? तो इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत से बच्चों को ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला तो पता है सभी को, और इसके निकाल भी लेते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते थे। तो दोबारा से बता देता हूँ, जब भी कोई चलना स्टार्ट करता है कहीं से भी पॉइंट से, तो आपको क्या मानते हैं, यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया था, यहाँ से वो चला उत्तर की दिशा में, फिर वो वापस 6 आया, फिर वो इस डायरेक्शन में मुड़ गया पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर यहाँ पे मुड़ने के बाद में उसकी डिस्टेंस हमने निकाल ली यहाँ से यहाँ तक कि उसकी 5 किलोमीटर या 5 मीटर जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो मान लीजिए। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर पूर्व, तो ये आपकी उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि भाई ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको इसमें कराए हैं वो सारे अलग अलग टाइप के आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपको हर एक चैप्टर कवर कराऊं अच्छे तरीके से, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बाहर से ना पूछा जाए, इसको कंप्लीट कराने के बाद में फिर दोबारा से मैं इसी के ही मतलब डायरेक्शन के हर एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद में अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर दूंगा, मतलब अलग अलग और क्वेश्चन लेके आने की। तो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। बाकी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो कोई भी छोटा सा कमेंट, नाइस सा कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखें बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।